आप देख सकते हैं श्रीनिवासपुरी के जो दृश्य आपके सामने है, यानी कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन चुके हैं। बहुत बुरी हालत है रही है यहाँ पे आके, नहीं एक कमर कमर घोटू घोटू जांगन जांग पानी भर रहा। पहली बार आए हो, इतना पानी कभी नहीं आयो। आगे जो वाटर लॉगिंग है उसमें कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर समतल स्थिति है, ये लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। देख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, ये आपकी दिल्ली है, देश की राजधानी है, जहाँ से देश की दशा और दिशा तय होती है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देश को विकास का आईना दिखाती हैं। ये वो दिल्ली है, ये आपकी दिल्ली है, हमारी दिल्ली है, देश का दिल जहाँ बसता है वहाँ सिर्फ पानी पानी है। मानसून का एक प्रहार, सिर्फ चंद घंटों की बौछार, चारों तरफ हाहाकार, इंसान बेबस लाचार, कांप उठे परिवार, नहीं देखा ऐसा आसमानी वार। कुछ दिनों पहले तक जो तस्वीरें गांव देहात से आया करती थी, वही सैलाबी मंजर दिल्ली का नक्शा बिगाड़ने पर आमादा। कुदरत की मार और पानी की थार के आगे इंसान बेबस। दिल्ली का श्रीनिवासपुरी इलाका अचानक तालाब में तब्दील हो गया। चार घंटे की बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। पानी का प्रचंड वेग ऐसा था उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। ये देखिए सामने बड़ा नाला है, बिल्कुल सामने वहाँ से पानी आ रहा है, बड़े नालों में से पूरी कॉलोनी डूब गई है निवासपुरी। देखिए ऑटो जा रहा है बिना ड्राइवर के, बहरा ऑटो। सच ही है, कुदरत जब कहर बरपाती है तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो आसमान से ऐसी आफत आई कि सड़कों का नामो निशान मिट गया, घरों के अंदर सामान तैरने लगा, लाखों का माल जलमग्न हो गया। लोग अब जनप्रतिनिधियों पर गुस्सा उतार रहे हैं। यहाँ से विधायक श्रीमती आदिशी जी मरलीना है और हमारा कई लाख रुपए का नुकसान, पूरी कॉलोनी का घर, पूरी कॉलोनी डूबी पड़ी है। इतना वर्जन है कि फ्रिज सारे लोड हैं, सारे इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भर रही है, सब फ्रिजों को रोकना मुश्किल हो रहा है, शटर डाउन करनी पड़ी है हमें, क्योंकि नहीं तो दुकान का जितना सामान था सब बाहर निकल निकल के जा रहा है। भाई दिल्ली गवर्नमेंट अब तो जागो, हमारा हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है, पिछले साल 6 लाख का नुकसान हुआ था, इस बार भी हमारा 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया तकरीबन। भाई हम लोगों को बचाओ, और नहीं तो यहाँ से हम आप हमें कह दो हम यहाँ से दिल्ली से चले जाए, पलायन करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद इस वक्त हम श्रीनिवासपुरी इलाके के अंदर हैं। आप देख सकते हैं श्रीनिवासपुरी के जो दृश्य आपके सामने है, यानी कि बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं। यूं तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून काफी बाद में आता है, लेकिन जब आता है तब लोगों की शिकायत रहती है कि काश देश के दूसरे राज्यों की तरह हमारे यहाँ भी बारिश हो, काश दिल्ली में भी झमाझम बरसात हो। अब कुदरत ने दिल्ली वासियों के शिकायत को दूर कर दिया। ये 12 पुला फ्लाईओवर है, सराय काले खां को साउथ दिल्ली से जोड़ने वाला पुल, लेकिन यहाँ से गाड़ियां गुजरी तो पुल पानी में गायब था। ऐसा लगा किसी ने बेहिसाब पानी पुल पर उड़ेल दिया हो। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम काफी ज्यादा सुहावना हो गया है। लेकिन अगर दिल्ली के सड़कों की बात करें तो साफ तौर से आप तस्वीरों में देख पाएंगे, लगातार बारिश होने की वजह से जल भराव जल जमाव की स्थितियां हो गई हैं, और जो गाड़ियां हैं वो इसी जल भराव जल जमाव की से ही बाहर निकल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह की बारिश लगातार होती रहेगी। दिल्ली का प्रगति मैदान सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। वीकेंड हो या फिर वीकडेज, यहाँ गाड़ियों का सिलसिला थमता नहीं है, रुकता नहीं है, और जब से अंडरपास बना है तब से तो और ज्यादा ट्रैफिक यहाँ दिखाई देता है। लेकिन पानी के प्रकोप से प्रगति मैदान भी नहीं बच पाया, पानी ने सड़कों पर डेरा जमा लिया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी।
जहाँ केवल सुबह से बारिश के बाद दिल्ली का क्या हाल हुआ आप वो देखिए। तो ठीक मेरे पीछे जो प्रगति मैदान का इलाका है, जो गेट नंबर 6 है, और आगे यही रास्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर जाता है, आप देखिए तो पूरा रास्ता, पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। और ट्रैफिक की समस्या इस वजह से कितनी ज़्यादा है क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार कितनी धीमी है। जब बादल बरसता है तो ये नहीं देखता कि वो गली कॉलोनी के ऊपर है या फिर वीवीआईपी इलाकों में। सावन में बादल झूम कर आता है, अपनी ताकत पर इतराता है, इठलाता है और कुछ ही घंटों में सुपर डुपर इलाकों को भी अपनी पावर का एहसास करा देता है। आमतौर पर कर्तव्य पथ पर लोग वीकेंड मनाने आते हैं, लेकिन इस बार बारिश की भी एंट्री हो गई और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलजमाव की स्थिति जो है वो पैदा कर दी है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से हो रही बारिश की वजह से कर्तव्य पथ पर जो है भी पानी जो है वो भर चुका है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी छोटी छोटी कॉलोनियों में बसती है। यहाँ पानी निकासी का सिस्टम हर बारिश में फेल नजर आता है। यही हाल पुरानी दिल्ली के इलाकों का भी होता है। चंद घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। लोग सिस्टम भरोसे रहते हैं लेकिन सिस्टम खुद पानी की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी था। मौसम विभाग ने कह दिया था कि बारिश तेज होगी और इस तरह के अलर्ट पहले भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी हो या फिर एमसीडी, हर जगह सिस्टम धराशायी हो जाता है। नतीजा ये हुआ कि बारिश की एक धार इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ गई। पता ये चला कि दिल्ली के तेज बंधु गुप्ता रोड इलाके में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। कुछ जगहों पर पुराने पेड़ भी भरभरा कर गिर गए। राजधानी दिल्ली का ये इलाका है, बिल्कुल डाकघर के सामने ये पेड़ अचानक से गिर जाता है। कई सालों से यहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं कि कई सालों से ये पेड़ यहीं पर था और ये जामुन का पेड़ है जो अचानक से गिर गया। हालांकि इस वक्त इसको हटाने का यहाँ से काम किया जा रहा है। सामने दो तीन दुकानें हैं जो भी यहाँ कई सालों से लगती हैं। ऐसे में ये काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन ये पेड़ बिल्कुल रोड की दिशा में गिरा है जिस वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे इस तरह की बारिश की तस्वीरें अक्सर मुंबई से आया करती हैं। मुंबई को ऐसी बारिश झेलने की आदत भी है, लेकिन दिल्ली इतनी बारिश की आदि नहीं है। और फिर ये तो एक बरसात का ट्रेलर है, सोचिए अगर इसी तरह की बारिश 3-4 दिनों तक हो जाए तो फिर राजधानी का क्या हाल होगा। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटे तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि सैलाब के रूप में आगे बेहिसाब परेशानी आपका इंतजार कर रही है।